नमस्कार। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे बगल में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्रिय छात्र मोहम्मद अमान, जिन्होंने हाल ही में UPPCS की दो परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। 2019 में जो अभी रिजल्ट आया PCS का, उसमें इनका नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ और मैंने इनसे कहा कि आपसे मिठाई मैं SDM पद की लूँगा, तो आज ये SDM पद की मिठाई लेकर मेरे साथ आए हैं। और बहुत लंबे परिश्रम संघर्ष के बाद आज अमान को ये सफलता प्राप्त हुई है। थैंक यू सर। तो अमान, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आज हम जानेंगे कि जो हमारी तैयारी का प्रिपरेशन का बेसिक्स है, ये कैसा है, कि हमको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अमान, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जी सर, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि क्या स्टडी मटेरियल लें, और हम बताते हैं कि आप NCERT पढ़िए। तो NCERT इसका कितना महत्व है, कौन से क्लासेस की पढ़नी चाहिए, तो भाई आज हम जानेंगे NCERT की कहानी SDM की जुबानी। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लें, अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में है। उसके बाद NCERTs तो सर मस्ट है, NCERTs बेस आपका बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिकल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन का एक स्टूडेंट है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होगी अगर वो सीधे हाई फाई एडवांस बुक्स पढ़ेगा। तो डेफिनेटली अगर NCERTs का बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है कि NCERTs कौन सी पढ़नी है। कुछ लोग कहते हैं 6 से पढ़ें, कुछ लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। मैंने 11th 12th की पढ़ी थी सर, और NCERTs आपका बेस 11th 12th की NCERTs जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार दे आर मोर देन इनफ फॉर एस्टैब्लिशिंग अ साउंड बेस। तो पॉलिटी की जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो 11th क्लास की है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस 12th में है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब NCERTs हैं जो पॉलिटी आपकी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, उस पर आपका साउंड बेस तैयार करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तो मुझे ऐसा लगता है NCERTs से ही कंप्लीट होंगी, क्योंकि कई बार देखा गया है जो क्वेश्चंस हैं UPSC या UPPSC में एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के, वो NCERTs से सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो 11th और 12th की 11th में शायद एंशियंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री भी 11th में है, 12th में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो तीनों के NCERTs काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने वही पढ़े थे। उसके बाद इकोनॉमी की बहुत अच्छी बुक्स हैं दो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 11th में है, और एक 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है सर, मैक्रो वन नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो भी इकोनॉमी के जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उतना काफ़ी है। हमें समझना होगा कि सिलेबस इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है, तो हमें ज़्यादा डीप में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हमें इकोनॉमी पढ़नी है। तो जो थोड़े बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो इन दोनों बुक से हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा साउंड बेस भी तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा अगर ये दो NCERT पढ़ लें और फिर सीधे आप इकोनॉमिक के लिए करंट अफेयर्स इशू पर, करंट अफेयर्स में जो जो चल रहा है इकोनॉमी पे, उस पर ध्यान दे रहेंगे तो काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा एडवांस बुक्स भी इकोनॉमी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ वेरी करंट अफेयर्स बेस्ड, वेरी डायनेमिक। जो आपका बेस है वो इन दोनों NCERT बुक से हो जाएगा। उसके बाद सर ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है सर, फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक NCERT है, एक फिजिकल डिविजन्स है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तीन बुक सर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, फिजिकल फीचर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 84 पेजेस की है सर। मैं कहूँगा कि जो हमारे युवा एस्पिरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं जी सर, तो वो ज़रूर इसको नोट कर लें। बिल्कुल सर। जैसा मान आपने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 6 की ही NCERT पढ़ें। बिल्कुल सर। और शायद आप मुझे करेक्ट करिएगा, ये भी कतई ज़रूरी नहीं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ने लगें। केवल मेरे हिसाब से 5 सब्जेक्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्या ये पर्याप्त होता है? बिल्कुल पर्याप्त होता है सर। मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कुछ लोग पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी सर और मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस काफ़ी डायनेमिक है सर, काफ़ी करंट अफेयर बेस आएगा, चाहे UPPSC में हो चाहे UPSC में हो, बहुत ही करंट अफेयर्स इशू पे जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। मान लीजिए कोविड से रिलेटेड जीनोम सीक्वेंसिंग जो आजकल चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी हमें बायोलॉजी की बुक से नहीं मिलेगा, हमें करंट अफेयर इशूज से मिलेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या हो रही है, या
नए नए कौन कौन से डिस्कवरीज हो रही हैं, नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है, किस चीज़ के मिल रहा है नोबेल प्राइज़, उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करती है जो पब्लिक कमीशंस होते हैं एग्ज़ाम में। तो साइंस इज़ वेरी करंट अफेयर्स बेस्ड। मुझे नहीं लगता कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। इससे अच्छा आप ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए इन फाइव सब्जेक्ट में जिसमें आपने बताया कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। तो इसके लिए आप इस पर ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए। एक रीडिंग में काम नहीं बनेगा तो आप इससे अच्छा उसकी दो तीन रीडिंग करिए। जैसा हम आपको बताते हैं और अब अमान ने भी कहा, तो आप हमारी बात माने ना माने, एक डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब की बात भाई ज़रूर मानिए और इनकी जगह आप ज़रूर आइए। यानी कि आपको सारे विषयों की नहीं पढ़नी है, अगर अमान बात करें तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, सीमित पढ़ना है उसे, कि मल्टीपल रिविजन आर मच मोर इम्पोर्टेंट मल्टीपल रीडिंग मल्टीपल बुक्स। यही है कि सर आपको डाइवर्ट नहीं करना, आपको फोकस रहना है। मल्टीपल बुक्स पढ़ेंगे तो आपका माइंड बॉगल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है सर पढ़ने का। आप ये भी ले आओ, आप ये भी ले आओ। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ भी है, कि चाहे प्रीलिम्स की करें चाहे मेंस की करें, एक या दो इज़ एट मैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी है, एक या दो टेस्ट सीरीज़ आप करिए। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा बुक्स पर नहीं जाना, क्योंकि आंसर आपको वहाँ पर 150-250 वर्ड में लिखना है एनीवेज। तो आप ज़्यादा 1100-1500 पन्ने की बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यू हैव टू राइट वेरी क्रीम देयर। इससे अच्छा जो आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसको बड़े अच्छे से रिवीजन करें, उसका डबल रिवीजन करें और करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस करें। पेपर बहुत ही डायनेमिक होता जा रहा है सर। कोई भी क्वेश्चंस हो आजकल उसको मॉडर्न एरा से लिंक करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा अमान, आपने एक बात अभी ये कही कि सर पेपर बड़ा डायनेमिक होता जा रहा है, और आप चूँकि UPSC में भी आप क्वालिफाई हुए हैं लगातार, आपने कई मीन्स लिए, एक अच्छा अनुभव है आपको। जी सर। आज के समय में आपको नहीं लगता कि UPSC और PCS का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से एक हो चुका है, इस पर आपका क्या मत है? सर बिल्कुल 80% तो सेम हो ही चुका है। और अगर हम एक स्पेशल के पोर्शन की बात करें जो PCS में मेंस में आता है, इसके लिए बच्चे एक हफ्ते पहले जो है UP स्पेशल की किताबें ढूंढना शुरू करते हैं। यानी अब अगर आप तैयारी करें तो एक समग्र एकीकृत आपकी तैयारी होनी चाहिए, यानी UPSC के लिए भी आप एलिजिबल हैं और UPPSC के लिए भी हैं। बिल्कुल सर। तो 80% सिलेबस सेम है, हमको ये समझना होगा कि UPSC और UPPSC का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम है। डिफरेंस कहाँ आ गया कि हिंदी के मार्क्स UPPSC में जुड़ते हैं और UPSC में क्वालिफाइंग है, और बाकी ऑलमोस्ट सेम है सर। क्वेश्चन पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, मार्किंग अलग है, 250 वर्ड्स का UPSC में होता है, इसमें 200 वर्ड्स का होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम अगर दोनों को पैरेलल में लेके चले प्रिपरेशन तो बिल्कुल हो सकता है सर। सबसे आसान अब तो हो गया है जब से 2018 से UPPSC का पैटर्न बदला है, तो काफ़ी आसान हो गया, दोनों को एक साथ लेके हम लोग पैरेलली पढ़ सकते हैं। रही बात सर जो UP स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं सर, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो मुझे याद है मैंने आपसे ही पूछा था कि यूपी स्पेसिफिक कुछ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ क्या पढ़ सकते हैं उसमें। तो आपने ही कहा था कि थोड़ी हेल्प लो, थोड़ा मिनरल्स देखो, थोड़ा सा ज्योग्राफी फिजियोग्राफी देखो, ज्योग्राफी में क्या क्या है, मिनरल्स जो उत्तर प्रदेश के एरिया में है, तो वो ही मैंने देखा। अब चूंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही विकिपीडिया खोला, हल्का सा देखा मैंने क्या है, अपने छोटे छोटे विकिपीडिया से ही एक एक पन्ने के नोट्स बनाए, विकिपीडिया को रटा नहीं मैंने, उसी में से छोटे छोटे नोट्स बना लिए कि हाँ यूपी की ये फिजियोग्राफी है, ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें ये है, मिनरल्स ये हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, फिर ऐसे ही हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत देख लिया 1857 में यूपी में क्या क्या हुआ था। 1857 चूँकि इम्पोर्टेंट है, आउध रीजन काफ़ी उसमें प्रोमिनेंट था, तो मैंने उसका भी हल्का सा मॉडर्न हिस्ट्री का देख लिया। बाकी ज़्यादा मुझे लगता है इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अगर बहुत टफ आएगा तो किसी को नहीं आएगा। तो अच्छा ये है कि हम जनरल यूपी स्पेसिफिक जो है जनरल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो पढ़ लें। जैसे मैंने कहा ज्योग्राफी के लिए फिजियोग्राफी अब यूपी की, मिनरल्स यूपी के, रिवर्स यूपी के, सॉइल, थोड़ा सा ये सब तैयार करना पड़ेगा। नहीं है तो थोड़ा सा विकिपीडिया या नेट से ढूंढ लें, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें। उसके बाद आप करंट अफेयर्स देखें यूपी में क्या है। यूपी फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ा था यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में था, यूपी दिवस काफ़ी न्यूज़ में था, यूपी रोज़गार योजना काफ़ी, आत्मनिर्भर रोज़गार योजना काफ़ी न्यूज़ में थी, फिर कई सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी। और यानी अमान हमारे प्रीलिम्स या मेंस देने तक के हाल फिलहाल के जो मैं कहूँगा साल भर के जो करंट अफेयर्स हैं जी सर, उन पे हमें फोकस करते हुए चलना है साल भर। बिल्कुल सर, करंट अफेयर्स अगर साल भर के आप करेंगे तो
आपके लिए मोर देन इनफ होगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें रहती हैं उसका कंटिन्यूएशन रहता है। बिल्कुल सर, कंटिन्यूएशन रहेगा। अगर हम कोविड की बात करें तो ये 2020 में आया, 20 में अब तक, अब कोविड शील्ड लगी, को वैक्सीन हुआ, म्यूटेंट हुआ, तो कोविड इज द करंट अफेयर्स। तो बाकी चीज़ें क्या है, उसका कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन है सर। तो ये तो हम ये कह सकते हैं कोविड अब एक स्टैटिक हो गया 3-4 साल के लिए क्वेश्चन। उसमें जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, उसमें जो भी नई नई अपडेट आ रही हैं, वो हाँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रादर देन कि हम सिर्फ कोविड के बारे में पढ़ लें, उसके कॉजेज़ पढ़ लें, उसके सिम्टम्स पढ़ लें, फ़ायदा नहीं करेगा। हमें ये देखना कि ब्रेक थ्रू क्या हो रही है कोविड में। बिल्कुल ठीक। और ऐसा मान एक इस बीच इधर हम देख रहे हैं गत वर्षों से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो 12वीं के बाद बच्चे होते थे वो इंजीनियरिंग मेडिकल, हम लॉ की तरफ गए, आप इंजीनियरिंग की तरफ गए और तब हम सिविल की प्रिपरेशन में आए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे इंटरमीडिएट के बाद ही तैयारी कर रहे हैं। तो वास्तविक क्या ये जो सही समय है 3 साल का, अगर हम एक ग्रेजुएशन करें तो क्या इंटरमीडिएट के बाद ही हमको अपनी प्रिपरेशन हम शुरू करें, तो कितने हद तक सफलता की संभावनाएं हमें लगती हैं? अब सर मैंने, मुझे याद है सर, मैंने अपना बीटेक 4th ईयर में स्टार्ट किया था। मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट एम। ओके, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि 12th, किसी को मन है कि 12th से ही वो स्टार्ट करना चाहता है, मेरा भी मन था सर बिल्कुल 12th से ही मैंने मन में था कि सिविल सर्विसेज, पर मुझे चूंकि ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी चाहिए थी पहले, तो मैंने इंजीनियरिंग करी, एक प्रोफेशनल डिग्री पहले ली। हाँ, पहले एक डिग्री ली कि मैं सेफ एंड सिक्योर हो जाऊँ। अगर किसी को इतना बिलीफ है कि वो सिविल सर्विसेज डेफिनेटली, मतलब उसका एम है और डेफिनेटली विजन है, एक लॉन्ग टर्म विजन है सिविल सर्विसेज, तो डेफिनेट 12th के बाद भी हो सकती है। और ख़ासकर अगर आप 12th के बाद ह्यूमैनिटीज़ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तब तो और अच्छा है। ह्यूमैनिटीज़ के साथ जो ग्रेजुएशन है और साथ में प्रिपरेशन बहुत आराम से, बहुत ही स्मूथली हो सकती है, बहुत ही स्मूथली हो सकती है। आपके ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है उसी टाइम में। और अगर हम उसको डिवाइड कर लें कि फर्स्ट ईयर हमने केवल अपने जनरल स्टडीज़ को, हाँ, सेकेंड ईयर हमने अपने ऑप्शनल को, ऑप्शनल को, और जब हम अपने फाइनल ईयर में आए यानी अपने प्रीलिम्स के अपीयर होने से पहले, तो हम सीसेट और टेस्ट सीरीज पे हमारा फोकस रहे। बिल्कुल सर, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे उन बच्चों के लिए जो अभी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर रहे हैं, पास हो चुके हैं और 3 ईयर प्रोग्राम के तहत अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा मान, एक और विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जी सर। ये नोट्स को लेकर बड़ी समस्या रहती है कि साहब नोट्स के हम कैसे बनाएं, क्या पढ़ लें, बिकॉज मार्केट इज़ अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट फॉर UPSC वी हैव टू फोकस ओनली ऑन अ वेरी कंसाइज मटीरियल। तो नोट्स तो हमारे अपने ही हमें काम आते हैं। बिल्कुल तो सर, एक बार हमने जो हमें कोचिंग क्लास में या सेल्फ स्टडी से हम पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा, बाकी हमने NCERT पढ़ी और उसी को हम नोट डाउन कर लें। आपके विचार से नोट्स बनाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? सर नोट्स तो इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल सर, आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, बुक्स आपको याद रहेंगी नहीं, नोट्स ही आपको याद रहेंगे। नोट्स में भी आपको याद रहेगा जो बॉर्डर, जो हाईलाइटेड ज़्यादा मटीरियल है। तो हमको ये इसीलिए कि नोट्स, एक तो आपकी आंसर राइटिंग भी कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग भी और स्ट्रांग होगी अगर आप नोट्स बनाएंगे। ये हमको याद रखना है कि आंसर राइटिंग बोलते हैं, अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं उससे भी आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, ये समझना होगा। तो आंसर राइटिंग भी आपकी फुलफिल होगी नोट्स बनाने से। नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग NCERT के भी नोट्स बनाते हैं। फ़िलहाल मैंने NCERT के नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन अब NCERT के बाद जब आप थोड़ी सी एडवांस बुक्स पढ़ रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इकोनॉमी में आपको ज़्यादा पढ़ना है, जैसे मैंने कहा कि चूँकि NCERTs और करंट अफेयर मोर देन इनफ होगा, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है इकोनॉमी में, तो रमेश शर्मा है बुक है, 2-3 हैं बुक्स, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 200 पन्ने का प्लानिंग का एक चैप्टर है कि इंडिया की प्लानिंग 1956, प्लानिंग कमीशन क्या क्या किया गई थी, उसमें आपको देखना है, उसमें उस टॉपिक का आपको नोट्स बनाना होगा। प्लानिंग हमें महानोबलिस से लेकर के, हाँ बिल्कुल सर, और वर्तमान समय अरविंद पनगड़िया तक का हमें दौर तय, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार तक हमको करना होगा। शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट बनाने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा भी नोट्स बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, याद नहीं रहेगा। तो हमें बहुत ही क्रिस्प नोट बनाने हैं, शॉर्ट, ताकि याद रहे वहाँ तक, और फिर हम उसको आगे जाके इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे, और इम्प्रोवाइज़ कर भी लेंगे अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में। अब बेहतर तरीका यही हो कि हम अपनी कॉपी को सेगमेंट्स वाइज डिवाइड कर लें। सेगमेंट्स वाइज, बिल्कुल सर, क्वालिटी के हम नोट्स बनाएं, तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा
हमने बेसिक स्टैटिक बना लिया कि भाई 395 आर्टिकल्स हैं, हाँ. एनैक्ट हुआ, और जहाँ पे कोई अमेंडमेंट होता है जैसे रिजर्वेशन की अगर हम बात करते जी हैं सर. तो आप देखते होंगे कि आर्टिकल 15 में प्रोविजन है, 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में 103वां संशोधन कानून आया था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था, तो 15/6, 16/6 नए अनुच्छेद जोड़े गए, वहीं पर हमने वो अपने नोट्स ऐड कर लिए, तो अब हमारे लिए रिवीजन के लिए भी आसानी है और हमें कुछ ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करनी. बिल्कुल सर, यही करना है, इसीलिए नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हमेशा बुक्स नहीं उठा सकते, खासकर रिवीजन के समय. प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम रहता है मेंस के लिए, तो उसमें हम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है. आपको उस टाइम आपके नोट्स पढ़ने हैं. नोट्स आर लाइक बाइबल, नोट्स ही इंपॉर्टेंट है. तो नोट्स बनाने होंगे ऑर्गेनाइज वे में, जैसे मैंने कहा, या तो आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइए या तो पेपर वाइज बनाइए. अगर आपको पेपर वाइज बनाना था, जैसे GS1 के मेरे नोट्स हो गए, तो GS1 में भी आप सब सेक्शंस कर सकते हैं कि भैया हिस्ट्री है पहले, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद सोशल इश्यूज़ के जो क्वेश्चंस, ऐसे आपके कंप्लीट हो जाएगा नोट्स. कैसे बनाने हैं नोट्स, ये वेरी करता है सर. कोई एक थंब रूल नहीं है नोट्स बनाने का. आप, ये एक प्रोसेस है सर, इसमें आप धीरे धीरे खुद ही स्ट्रांग बनते हैं, इसमें खुद ही आप इम्प्रोवाइज करते हैं आप कैसे नोट्स बना रहे हैं. न्यूज़पेपर से भी नोट्स बन सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी नोट्स बन सकते हैं, मैगजीन से भी, मंथली जो मैगजीन से, उनसे भी नोट्स बन सकते हैं. ये आप पर डिपेंड करता है नोट्स कैसे बनाने हैं, पर नोट्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. और ख़ासकर स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिक, आपने कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 बाद में ऐड हुआ, तो अगर हमें आर्टिकल 15 के हम पहले नोट्स बनाए होंगे तभी हम 15 क्लॉज 6 देख सकते हैं. तो वो इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बनाना. फंडामेंटल राइट्स क्या है, आज फंडामेंटल राइट्स का सेलियंट फीचर क्या है, उसके नोट्स बनाएं. इंक्रोचमेंट हो जाता फंडामेंटल राइट्स पे, वो उस पर नोट्स बनाएं. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उसका एक एक नोट्स बना के 150-150 वर्ड में क्रिस्प नोट्स बनाना ज़रूरी है. इसीलिए हमें देखना पड़ेगा 10 साल में क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, उस हिसाब से हमें और नोट्स बनाने पड़ेंगे. तो 10 साल के जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है. नोट्स तभी वैसे बनाइए आप. यानी हम करें तो जो एक हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारा सिलेबस, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और हमारे खुद के बनाए हुए सेल्फ नोट्स, बड़े कंसाइज और क्रिस्प. और सिलेबस से मान ने भी जिक्र किया, हम भी सर, हम लोग की बात होती रहती है, बच्चों से बताते हैं, सिलेबस से यहाँ अर्थ होना चाहिए मान हमारा मेंस का सिलेबस, जो हमारे चारों पेपर हैं, ना कि प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस तो 2 लाइन का दिया हुआ है. इसीलिए मैंने कहा कि जो ये प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की, वो प्री कम मेंस नहीं है, मेंस कम प्री है. बिल्कुल सही, बिल्कुल पहले मेंस की तैयारी हमको करनी होगी. मैंने सर से भी, अभी सर से बात हो रही थी, मैंने ये कहा कि मेंस कम प्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. लोग पहले प्रीलिम्स निकालने के चक्कर में मेंस में फिर शैटर हो जाते हैं जब क्वेश्चंस देखते हैं सब्जेक्टिव में. तो मेंस की हमें थरो प्रिपरेशन करनी है. अगर आप जब मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे तो अपने आप आपका 70% प्रीलिम्स भी लगभग तैयार होगा. जो 30-40% प्रीलिम्स बचा वो आपका करंट अफेयर्स से इम्पोर्ट हो जाएगा. थोड़ा मैप वर्क करना पड़ेगा प्रीलिम्स में, ज़्यादा कुछ मशक्कत उसमें करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन मेंस इज़ लाइक द मैराथन सर, तो मैराथन हमें कम्प्लीट करनी पड़ेगी. उसके बाद 100 मीटर की रेस होगी जिसमें एलिमिनेशन होगा. तो पहले तो मेंस इंपॉर्टेंट है. मेंस का अच्छे से थरो सिलेबस देखना पड़ेगा. सिलेबस आपने देख लिया तो आधा काम हो जाएगा. सिलेबस ही बहुत बड़ा है मेंस का. तो जहाँ आपने मेंस का सिलेबस दिया, फिर उससे नोट्स बनाए, फिर उससे ये किया, उसके बाद प्रीलिम्स भी आपको लगेगा कि आपका 50-60% मोस्ट हो गया. बिल्कुल. तो ये सारी बातें थी जिन पर आज हमने चर्चा की. हमारा बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर.